वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। नहीं नहीं नहीं, अरे छोड़ो छोड़ो इसे, अंदर लेके जाओ इसे। मुन्ना को मत लेके जाओ अबू प्लीज। अरे ईद मुबारक भाईजान। क्या हुआ भाईजान, क्यों बच्चे को रुला रखा है? अरे आपको तो पता है भाईजान, आज ईद है और बकरे को हलाल कर ले जाना है, और ये सलमान है कि ये घंटे से रोए जा रहा है। अच्छा हाँ, उसका ज्यादा प्यारा है ना ये। आप बिना भाईजान। अरे अरे अब तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं भाईजान, आपने बेवजह बच्चे और बकरे को रुला रखा। अच्छा, आप क्या बकरा हलाल करने नहीं ले जाओगे? नहीं। क्यों? आपको मालूम नहीं कि मैंने बाघ पर रामपाल जी से नाम उपदेश ले रखा है। लेकिन वो तो हिंदू संत है। हाँ, लेकिन उन्होंने कलामे पाक से साबित करके बताया है कि गोश्त खाना हराम है, यह अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है। पागल हो गई हो क्या? एक गैर मुसलमान होने के नाते वो तो हमारी क्रिया को गलत ही बताएगा। तुम्हें नहीं मालूम, जब हम कलमा पढ़कर बकरे को काटते हैं तो वह तबरुख बन जाता है, जिसे खाने के बाद उसकी रूह जन्नत में जाती है और हमें सवाब मिलता है। माफ करना भाईजान, लेकिन हमारा अल्लाह ताला इतना बेरहम तो नहीं हो सकता कि किसी बेजुबान जानवर को मारने के बाद हमें सवाब दे। अब्दुल, ये कैसी बातें कर रहा है तू? तो सही तो कह रहा हूँ भाईजान, यदि कलमा पढ़ते हुए बकरे की गर्दन काटने के बाद उसकी रूह जन्नत में जाती तो क्यों ना हम अपनी और अपने बच्चों की गर्दन भी कलमा पढ़ते हुए कटवा देते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा मकसद भी तो जन्नत में जाना है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो सुबीर भाईजान, हम हर साल ईद के दिन इन मौलाना और काजियों के बहकावे में आकर ना जाने कितने बेजुबानों का कत्ल कर देते हैं और गुनाह के भागीदार हो जाते हैं। क्या हुआ समीर? देखो ना भाईजान, ये अब्दुल क्या बोले जा रहा है, कह रहा है गोश्त खाना हराम है। अबे पागल हो गया क्या अब्दुल? सही कहते हो भाईजान, जब तक मुझे कुरान शरीफ का इल्म नहीं था ना, तब तक मैं पागल ही था। तेरे कहने का मतलब क्या है? लगता है तू भूल गया है, तू एक मुसलमान की औलाद है। अब्दुल, तुझे किसी ने बहकाया है? मैं अभी मौलाना साहब को बुला के लाता हूँ। भाईजान मुझे तो लगता है काफिर हो गया है। सही कह रहे हो भाईजान। माफ करना भाईजान, लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम की दीवार है ना, यही हमें अल्लाह ताला से अलग रखे हुए है। बाखबार रामपाल जी कहते हैं कि जीव हमारी जाति है और मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा। बकवास बंद कर अपनी, मजहब छोड़ के काफिर हो गया है तू? नहीं भाईजान, मैंने अपना मजहब नहीं छोड़ा। हाँ, मेरे मजहब में जो गलत चीजें थी, जो गलत इबादत थी, वो मैंने छोड़ दी है। बेटा तुम्हें मजहब के बारे में किसी ने गलत बताया है? तुम मुसलमान हो, मजहब की इज्जत करना सीखो। जनाब मैं मुसलमान की इज्जत कर, लेकिन मुसलमान का मतलब होता है मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पर रहे। और आज का मुसलमान गोश्त खाता है, तंबाकू खाता है, झूठ बोलता है और तो और मजहब के नाम पर बेजुबानों का खून तक बहा देता है। फिर बात करते हैं मजहब की, क्या यही आज का मुसलमान है? बहुत होगी तेरी बकवास, रुक, तू अभी रुक, रुक। तो इसको छोड़ूंगा ही नहीं। साहब ये सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ बरखुरदार, आपकी क्या मसाद है? एक मुसलमान होते हुए भी आप अपने मजहब की रीतियों को गलत बता रहे हैं। पता है अपना मजहब कितना पाक है? मजहब तो सभी पाक है मौलवी साहब, बस इन मजहब के मानने वालों ने इसकी हमें गलत इल्म दी है, जिसे अब हम सबको मिलकर ठीक करना है। हम सब एक अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह को पाने का रास्ता भी एक ही है। इसलिए हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, सबके सब बाखबर रामपाल जी से जुड़कर अपनी पाक किताबों का इल्म लेकर सच्चे अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो क्या तुमने अपने दिन को छोड़ दिया? नहीं मौलाना साहब, शायद आप गलत समझ रहे हैं। मैंने मुसलमान दिन को नहीं बल्कि मुसलमान दिन में जो फैला हुआ जाप है उसको छोड़ा है। मौलाना साहब ये कहते हैं बेजुबानों का कत्ल क्यों करते हो और गोश्त खाना हराम है? अरे काफिर, यह अल्लाह का हुक्म है। नहीं मौलाना साहब, गोश्त खाना अल्लाह का हुक्म नहीं है बल्कि। चुप कर अब्दुल, बंद कर अपनी बकवास। नहीं भाईजान, अब बात शुरू हो गई है तो उसे क्लियर करना भी जरूरी है। मौलाना साहब, अल्लाह ताला ने 6 दिन में कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए, मतलब कि अल्लाह ताला को जो हिसाब बनाना था उन्होंने वो 6 दिन में बनाया
सातवें दिन जाकर तख्त पर बैठ गए। मतलब कि उसके बाद के जितने भी हुक्म हैं वो अल्लाह ताला के नहीं हैं, बल्कि वो शैतान के हुक्म हैं। और दूसरी तरफ हम मोहम्मद साहब जी और उनकी उस टाइम की 180,000 अंबियाओं को देख सकते हैं। ना तो उन्होंने कभी मांस छुआ है और ना ही उन्होंने किसी को कहा है तुम मांस खाओ। लेकिन कुरान में कुर्बानी का जिक्र है। वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ मौलाना साहब, वो जो बात के हुक्म है वो अल्लाह ताला के नहीं है बल्कि शैतान के हैं। क्योंकि कुरान से पहले 3 आसमानी किताबें और उतरी थी, जंबूर, तौरात और इंजल। उनमें कहीं भी गोश्त खाने का जिक्र नहीं है। आप बेशक मुझे मार देना, लेकिन मेरी बात पर गौर फरमाना। जैसे हमें हमारे मजहब के ठेकेदार आस्तिक बताते आए हैं कि अल्लाह बेचून है, निराकार है, लेकिन हमारे कलाम पाक में लिखा है कि उस अल्लाह ताला ने 6 दिन में पूरी कायनात बनाई और 7वें दिन जाकर तख्त पर जा विराजे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ ये है कि अल्लाह ताला का आकार है, वो किसी आकार में है, जबी तो जाके तख्त पे विराजेंगे। विचार करो मौलवी साहब, विचार करो। जी, वो अल्लाह ताला कबीर है। सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52-64 में देखना आप। जिसकी जानकारी किसी बाखबर से पूछो, और इस समय बाखबर सिर्फ रामपाल जी महाराज हैं, जो अपने कलाम पाक से इबादत बताते हैं और सच्चे अल्लाह की इबादत करवाते हैं। आप सब मेरे पे बेशक गुस्सा हो जाइए, लेकिन आप सबको पता है रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले मेरी क्या हालत थी और आज मैं कहाँ हूँ। जब तक मेरे सवाब का दौर चला मुझे सुख हुआ, जिससे मुझे लगा मैं जो भी इबादत कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन जैसे ही मेरे गुनाहों का दौर शुरू हुआ तो मानो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो, और उसको खत्म करने के लिए जिसने जो भी बताया मैंने वैसा ही किया। किसी ने कहा तुम जुम्मे की नमाज करो, किसी ने फजर की नमाज करने को कहा, तो किसी ने तहजूद की नमाज करने को कहा, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा भी अल्लाह की तलाश मैंने ना जाने कहां कहां नहीं की। कभी मोहिद्दीन चिश्ती की दरगाह, तो कभी अलीगढ़ की दरगाह, तो कभी महरौली की दरगाह तक फिरा। 40 दिन के जमात तक निकाले, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मजहब के ठेकेदारों ने जो हमें इबादत बताई थी वो सारी गलत थी। लेकिन आज समाज पढ़ा लिखा है, अब उनकी दाल नहीं गलती। अब वो समय आ गया है जब सबके सब बाखबर रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेंगे और सच्चे अल्लाह की इबादत करेंगे। खुदा हाफिज। वकालत करते ही मुसलमान धर्म के प्रवक्ता मांस खाने की वकालत करते हैं, क्योंकि देखो अगर कुरान शरीफ में या किसी पुराण में, वेदों में और गीता में मांस खाने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि किसी पुराण में और यदि किसी कुरान में और यदि फिर बाइबल में इससे आगे, जहां परमात्मा ने उस अल्लाह अकबर ने, समर्थ भगवान ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो तो तख्त पर बैठ गया जाके विधान बता के कि किसी ने भी मांस नहीं खाना है, ये खाने की वस्तुएं तुम्हें हलाल हैं, बाकी सब हराम है। इससे आगे कोई लेख उल्लेख है, चाहे वो पुराण में है, चाहे कुरान में है, चाहे बाइबल में या तौरात में है, या चाहे अन्य किसी इंजिल में है या जबूर के अंदर है, वो अल्लाहु अकबर का आदेश नहीं है, वो किसी अन्य देव का आदेश है। उसका आदेश पालन करके आप उस अल्लाहु अकबर के विधान को तोड़कर दोषी बन जाओगे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 180 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, अरस कुरस पर अलह तकत है, खालक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुषते साहिब के अब्दाली। उसी परमात्मा ने कहा है कि जो नर गोश्त खाते हैं प्रत्येक राक्षस जान, इसमें संशय है नहीं, हिंदू खाइयो चाहे मुसलमान। कहते जो मांस खाते हो प्रत्येक राक्षस है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, ये तुम स्वयं तुमने अपना फॉर्मूले आप बना रखे, उन महापुरुषों के आदेश नहीं है। कहते हैं मांस खावे सो ढेड सब, और मद पीवे सो नीच, और कुल की दुर्मति पर हरे भगवान कहे सो ऊंच। कहते मांस खावे सब ढेड है, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, सिख है या ईसाई, और कहते हैं मद पीवे सो नीच, शराब पीते वह महान नीच आदमी है, और अपने कुल का भी नाश करते हैं, केवल जो उस अल्लाह अकबर का सच्चा नाम जपते हैं वही ऊंचे हैं। समझदार को संकेत बहुत होता। अब आप जी को दिखाया है परमात्मा नर आकार है,
छह शरीर है, छह दिन में सृष्टि रची और परमात्मा ने छठे दिन मनुष्य को अपने जैसा, अपने अनुरूप, अपने शरीर जैसा, अपनी सूरत जैसा उत्पन्न किया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की और उनको खाने के लिए आदेश दे दिया। अभी आपने पढ़ा, आप फिर भी पढ़ सकते हैं। और आगे फिर वो क्या कहता है देखो, और परमेश्वर ने कहा, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखो, यानी उनसे जैसे इंसान ने शेर तक को भी काबू कर लिया, हाथियों को भी बांध लिया, तो इस ऐसे कंट्रोल करने के लिए कहा उन्होंने। आगे देखो फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, यानी मनुष्यों को भी, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़, ये मनुष्यों के लिए आदेश है, सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए तुम्हारे भोजन के लिए। मनुष्य के लिए उस अल्लाह ताला का आदेश, अल्लाहु अकबर, जिसने छह दिन में सृष्टि रची, सातवें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाहु अकबर थे, वो अल्लाह कबीर है, वो कंप्लीट गॉड है, वो सर्जनहार है, वो क्रिएटर है। उस क्रिएटर का आदेश नहीं है मांस खाने का मनुष्य को, ये पक्षी पशु पक्षियों को भी नहीं है। आगे देखो तुम्हारे भोजन के लिए, ये तो मनुष्यों के लिए, आगे देखो यहाँ आ गया हम, और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए और वैसा ही हो गया, यानी घास फूस है। और तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था वो देखा, तो क्या देखा, वह बहुत अच्छा है। तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार ये छठवां दिन हो गया। अब सातवां दिन यूँ आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम किया और परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। ठीक, अपने आत्माओं, जो क्रिएटर है, जो सबका रचनहार है, जो अल्लाहु अकबर है, जो सुप्रीम गॉड है, उसने छह दिन में सृष्टि रची, सातवें दिन तख्त पर जा बैठे, उसी के विषय में कुरान शरीफ में स्पष्ट किया है कि ये वही है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है ये वही अल्लाहु अकबर है जिसने छह दिन में सृष्टि रची, सातवें दिन तख्त पर जा बैठा। ये है सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के। हम पढ़ेंगे नीचे से, ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फलातुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, ये स्पष्ट लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, इसका और निर्णय करते हैं। ये पवित्र कुरान मजीद से क्लियर होगा। अब पवित्र कुरान मजीद दिखाते हैं आपको, ये यहां से छपी है। ये भी पहले भी दिखाई थी आपको, ये वही है, ये यहां से इसका पूरा पूरी जानकारी है कहां से छपी है, कौन इसका अनुवाद करता है। और अब इसके हम आते हैं, ये वही सूरत फुरकान 25 और कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के। हम यहीं आते हैं नीचे, ये है 51वीं आयत समाप्त हुई, इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्सर भी सिर्फ लिखने मंत्र थोड़ा किया। फलातुतियल काफिरन ने जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो, तो इसमें स्पष्ट है ये कबीरा। और इसका यह अनुवाद किया है इसके साथ में,
ये 52वीं आयत का अनुवाद चला है, तो तुम काफरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब उन कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। अब हम फिर कुरान शरीफ को लेते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ है, यहां से देखिएगा। उसमें से हमने ये निर्णय करना था, कबीर और कबीरा और कबीरन, ये कुरान शरीफ फिर ले ली हमने, सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे हम आगे नीचे आएंगे। ये 52 नंबर आयत है, 51 यहाँ समाप्त हुआ, 52 प्रारंभ हुआ। फला तुतियल काफिरन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन, इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है। ये अनुवादकर्ता भी मुसलमान भाई है कोई, तो ए पैगंबर ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है, तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब देखो, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है, ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो बड़े जोर के साथ, संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य यह है इस कुरान शरीफ की इस आयत का, कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को संदेश भेज रहा है जिब्रील देवता के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से, एज इट इज। वो कह रहा है कि इन काफिरों की बातों में मत आना, ये काफिर तो अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना हानि कर सकते हैं ना लाभ दे सकते हैं, और वो ना माने कि ये उस कबीर नामक अल्लाह यानी बड़े भगवान, ये बड़ा कहते हैं, हम बड़ा ही मानकर चलते हैं आज, उस बड़े भगवान की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ये काफिर नहीं करते, आप इनकी बातों में मत आना। सीधी सी बात है, ये आपकी नहीं माने तो आप उनकी बातों में आकर उनके साथ ना हो जाना, उसके लिए संघर्ष करना, चाहे कितना कष्ट उठाना पड़ो। तो वही हजरत मोहम्मद जी ने किया, इसका अर्थ ये। अब हम देखते हैं, अब क्या बताया है देखिएगा। तो ए पैगंबर तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो, ये बिल्कुल सही। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ये भी स्पष्ट कर रहा है कि ये कबीर जो अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा। इससे ये सिद्ध होगा आपके समक्ष कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई बड़े परमात्मा की महिमा सुना रहा है हजरत मोहम्मद को। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाहु अकबर नहीं है। अधिक जानकारी के लिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पवित्र पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान बिल्कुल निशुल्क मंगाएं, अपना नाम पूरा पता हमें व्हाट्सएप करें। हमारा नंबर है 7496801823। जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन अब प्रतिदिन सुनिए MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 से 3 बजे, सारथी टीवी पर शाम 6:30 से 7:30 बजे, साधना टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 बजे, ईश्वर टीवी पर रात 8:30 से 9:30 बजे।